हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन ट्रेंड विद प्रतीक्षा दीक्षित, जो कि अब हो चुका है फैशोमेनिया। बहुत ही जल्दी मैं इस चैनल का नाम चेंज कर दूंगी, फैशोमेनिया करने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाली हूँ मेरे ये टॉप फ्रॉक टॉप बनाना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रॉयल लुक देगा। जैसा कि आप फैब्रिक देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये सिल्क का फैब्रिक यूज़ किया हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा दिखने में अच्छा लगता है। तो आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ये फैब्रिक यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा, बिल्कुल ऐसा ही। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर कपड़ा लिया हुआ है और इसको मैंने 4 टाइम्स में फोल्ड कर लिया है इस तरह से, देखिए। और अब मैं ऊपर के टॉप की कटिंग करूँगी पहले, और फिर नीचे का घेर की कट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो इसके जो ऊपर के टॉप की जो लंबाई रखनी है वो मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी 16-17 पे। आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, वैसे मैं यहाँ पे 17 पे निशान लगा रही हूँ। और अब इसको जो है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से गले की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए मुझे शोल्डर की पहले निशान लगाएंगे। तो आप शोल्डर अपना नाप लीजिए, कितना आपको शोल्डर रखना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने शोल्डर जो है वो 6.5 रखा है, यहाँ पे मतलब 12-13 रखा है। तो यहाँ पे आर्म होल का निशान ये मैंने लगा दिया है 6 पर। और इधर साइड में मैं गले का निशान लगा रही हूँ, तो गला मैं 7 पे रख रही हूँ। ये एक तो इंची टेप भी फट गया, सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बेंस। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पे 7 पे निशान लगा करके, और इसको जो है इस शेप में गले को बना देंगे। और अगर आपको जानना है निशान कैसे लगाते हैं, पूरा शोल्डर का निशान कैसे लगाते हैं, और ये जो आर्म होल का लगाया है तो कैसे क्या लगाते हैं, तो उसके लिए आप भी और सारी वीडियोस देख सकते हैं, जिसे मैंने बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में बताया हुआ है एक एक निशान। तो यहाँ पे देखिए, मैंने चेस्ट का निशान लगा दिया है यहाँ से, और ये आर्म होल मैंने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया है। तो इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, मैंने इसको गले की कटिंग कर ली है और आर्म होल की कटिंग कर ली है। और ये जो निशान मैंने यहाँ पे लगाया है चेस्ट का, तो चेस्ट का निशान लगा दिया है, उसके 2-3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ करके कट किया है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे ये कट हो गया है। और अब जो पीछे वाला बैक का गला आपको जैसा भी रखना है, मैं यहाँ पर एक साथ में मैंने गला कट कर लिया है, लेकिन बैक का गला पीछे से मैं गोल कर दूँगी। तो मैं एक पार्ट को निकाल देती हूँ आगे वाले पार्ट को, तो इसको इस वाले को एक को हटा देंगे, और एक पार्ट जो बचेगा उसको गोल कट कर लेंगे। तो देखिए, इसको इस तरीके से रखना है, और इसको जो है निशान को इस तरीके से कर देना है, ऐसे गोलाई में दे देना है। तो जो डिज़ाइन वाला पार्ट है वो कट हो जाएगा ऐसे। ये जिस साइड से यहाँ से निशान लगाएगा, यहाँ से लगाएंगे निशान तो इजी रहेगा समझने में आपको थोड़ा। तो जैसे कि रेक्टेंगल स्क्वायर सॉरी बना था, तो इसको इसके हल्के से इसमें गोलाई दे देंगे और यहाँ से सीधे कट कर देंगे। तो ये गला हो जाएगा बैक का, और आप इसी तरीके से जैसा भी बैक का गला चाहें वैसा आप रख सकती हैं। तो मैं इसमें बैक का गोल गला ऐसे रख लेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा इसमें। और यहाँ पे डॉट्स डाल देंगे, और इसी तरीके से ये 4 इंच की लंबाई पे रखना है डॉट। तो मैंने यहाँ पे एक मेरे अंदाज से रख दिया है, तो सेम डॉट्स जो है इसी तरीके से इसमें भी लगा देने हैं। तो ये जो है प्लेट्स सिल ली जाएंगी यहाँ पर। और गाइस, अगर आपको ये डॉट्स कैसे सिले जाते हैं, इन सब की पूरी प्रॉपर वीडियो सिलने की चाहिए, तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, जिसमें मैंने बहुत सी वीडियोस में इस तरीके से सिलाई करके दिखाई है।
तो देखिए मैंने ये वाला फोल्ड जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ था उसको ऐसे 4 टाइम्स में फोल्ड कर लेंगे, ऐसे पूरा स्क्वायर शेप में जितना भी बचा है। तो इसको पहले देखिए ऐसे रखा और अब इसको पलट लेंगे पूरा। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसको पलट करके रख दिया है, बिल्कुल इसके 4 पार्ट्स में ये हो गया है ऐसे। तो अब देखिए ये इसका जो अम्ब्रेला कट नीचे का निकलेगा, पूरा पूरा अम्ब्रेला निकलेगा, कहीं से भी जॉइंट नहीं होगा। तभी मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड किया है और अब जो है इसको ऊपर का जो टॉप है आपका उसको इसके जो दोनों साइड में जिधर साइड में फोल्डेड साइड है उस साइड में रखना है, जो ओपन साइड है उसकी तरफ से नहीं कट करना है, फोल्डेड साइड है जो उसकी तरफ से कट करना है। तो आपको इस तरीके से निशान लगा लेना है, जो आपका टॉप है उस हिसाब से आपको कमर अपनी कट कर लेनी है। और जो कमर आप ऐसे भी अपने आप से अगर आपकी 30 है तो यहाँ पे 30 को 4 पार्ट में डिवाइड करके फिर उस हिसाब से भी आप यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप एक एवं इंची टेप रख करके ऐसे नाप लीजिएगा, ये जो बनाया है तो वो आपके कमर के हिसाब से उसमें बन आ रहा है कि नहीं। अगर तो देखिए वो पहले वाला मेरा थोड़ा ज़्यादा जा रहा था इसीलिए मैंने दूसरा यहाँ पे निशान लगाया है, तो ये मैंने दूसरा निशान लगा लिया। और देखिए कमर अगर थोड़ी ज़्यादा भी हो जाएगी तो आप उसमें प्लेट्स डाल देंगे साइड साइड में तो उसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। कमर अगर कम रहेगी तो उस पर फिर आपको टाइट हो जाएगा, अंदर जाएगा नहीं कमर में, इसलिए थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो देखिए मैंने इतना निशान लगा लिया, अब नीचे की स्कर्ट कितनी रखनी है उस पर निशान लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ 13, जितना मेरा फैब्रिक है मैं उतना पूरा ही रख लूँगी। तो देखिए इसको इस तरीके से मैं पूरे में निशान लगा लूँगी गोलाई से। ये ऐसे करके गोलाई से निशान लगा लेंगे, फिर इसको ड्रा कर लेंगे और इसको फिर कट कर लेंगे। ये ऊपर का कट हो गया, इसी तरीके से नीचे से भी ये कट कर लेंगे। देखिए ये कट हो गया है, अब इसको ओपन करेंगे तो ये पूरा अम्ब्रेला में ओपन हो जाएगा। इसके बाद में अब इसको और जो ऊपर भी कट किया था इसका ऊपर का टॉप, तो इन दोनों को सिल देना है एक साथ में। तो ये टॉप बनकर के रेडी हो गया है। सो गाइस आपको टॉप कैसा लगा तो कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।